तो बिरयानी जो हमारी तैयार हो गई है, कोफ्ता बिरयानी, तो अब मैं इसको प्लेट में निकालने लगी हूँ और दिखाती हूँ साथ साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वेवर्स। तो आज बना रही हूँ मैं कोफ्ता बिरयानी। तो कोफ्ते के लिए लिया है मैंने तकरीबन 1 किलो कीमा लिया है। तो 1 किलो कीमे में मैं डालूँगी ये 2 बड़ी इलायची, ये दालचीनी के 3 टुकड़े, और ये इसमें जो है थोड़ी सी काली मिर्चें और लौंगी। तो 1 चम्मच के करीब ये मैंने ज़ीरा लिया है, और ये एक प्याज डालूंगी मैं। तो इसमें जो है ये मैं एक प्याज डालूंगी इस तरह से। प्याज का डालने से ये होता है कि कोफ्ते आपके नरम बनते हैं। और इसमें डलेगा लहसुन अदरक, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लहसुन अदरक पीसा था, हरी मिर्ची और लहसुन अदरक मैंने एक साथ पीसा है, यानी कि 4-5 हरी मिर्चें थी। इसका पानी बसा के मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक और हरी मिर्चें, ये 1 चम्मच और ये 2। तो अभी इसमें डालेगा नमक, अब इसमें ये डाला है मैंने ये नमक, ये 1 चम्मच के करीब हो गया बस, फिर ज़्यादा हो जाए तो फिर। तो नमक डाल दिया मैंने, और अब इसमें डालूंगी मैं खशखाश। खशखाश को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो मैंने आपको बताया था कि खशखाश जो है वो मैंने भिगोई भी है, और खशखाश जो है वो कोफ्तों का जो मतलब ये कि जो असल मज़ा आता है ना, वो खशखाश से ही आता है। तो ये तकरीबन 1 चम्मच जो ये देखिए खशखाश है, जिसको मैंने भी भिगो दिया था और अच्छी तरह से धो लिया, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया और धो के ये डाल दिया। अब इसमें डलेगा बेसन। तो ये कीमा आपने देखा मैंने इसमें चॉपर में डाल दिया, और जो जो मसाले मैंने डाले थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो अब जो है मैं इसको चॉपर में थोड़ा सा पीसूँगी मसालों समेत। अभी इसमें मुझे जो है बेसन भी डालना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसको मैं तो ये बिरयानी के लिए जो चावल है, मैंने 4 गिलास पानी जो चावल जो भिगोए थे उनको उबालने के लिए रख दिया है। उसमें अब मैं कुछ चीज़ें डालूंगी, थोड़ा सा ये ज़ीरा है, ये बादियान के फूल हैं, इसके 4 टुकड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं, ये जैसे बड़ी इलायची है, और ये दालचीनी के 2 टुकड़े हैं। गरम मसाला हम लोग ज़्यादा बिरयानी में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं कम ही डालूँगी। तो इसमें जो है कुछ लौंगे और काली मिर्ची, और ये 2 हरी मिर्चें हैं जो मैं इसमें डाल रही हूँ। और अभी इसमें मुझे नमक भी डालना है, ये 1 चम्मच, और ये यानी कि 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा है। अब चावलों को मैंने उबालने के लिए रख दिया है, ये उबाल आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, फिर बाकी जो बनाना शुरू करूंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये कोफ्ते का सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी वो सब डाल के मैंने पीस लिया इसको। अब इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच बेसन,
बेसन जो इसकी बाइंडिंग करेगा। दो और थोड़ा सा और डाल देती हूँ क्योंकि ये किलो कीमा है। तो अब मैं इन सबको मिक्स करके और इसके कोफ्ते बनाना शुरू करूँगी और आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। तो चावलों में जो हमारे उबाल आ गया है और इसमें कनी रह जाएगी तो मैं इसको फंसा लूँगी। तो ये देखिए अब मैं चावलों को जो है फंसाने लगी हूँ। तो चावल जो है ये देखिए मैंने फंसा दिए हैं। अब इनको मैं यहीं छोड़ दूँगी ताकि इनका अच्छे से पानी निकल जाए। उधर मैं मसाला तैयार करती हूँ, कोफ्ते तैयार करती हूँ। तो कढ़ाई मैंने रख दी है और चूल्हा जला दिया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल, कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाए। ऑयल गर्म हो गया और मैंने इस साइज़ की दो प्याज काट ली हैं और वो मैं इसमें डाल दी है। अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे फिर मैं साथ साथ बताती हूँ। ये प्याज ब्राउन हो रही है, अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। प्याज देखिए ये हो गई है ब्राउन, ये देख रही हैं आपके सामने। अब मैं इसका चूल्हा, इसमें ये मैंने लिए हैं 3 चम्मच लहसुन अदरक और ये बिरयानी मसाला तकरीबन 3 चम्मच है आलू बुखारे के साथ। और इसमें मैंने ये डाला है, अभी ये 1 टमाटर डाला है और हरी इलायची डाली और बादियान के फूल डाले। तो अब मैं ये टमाटर भी इसमें डाल रही हूँ, फिर ये सब उठा के मैं प्याज में डाल दूँगी। मैंने आपको दिखाई थी कि ब्राउन हो चुकी है और अब इसमें मैं जो ये सब डाल रही हूँ, जो मैंने आपको बताया था बिरयानी मसाला, किसी मिर्ची, रंग वाली, नमक, लहसुन अदरक, बादियान, ये सब डाल के मैं अब इसकी भुनाई करूँगी। तो टमाटर थोड़े से नरम हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये ग्रेवी तैयार हो गई है। अब इसमें डालूँगी मैं कोफ्ते। अब इसमें मैं ये कोफ्ते बना बना के डालूँगी। अब ये आपकी मर्जी है कोफ्ते का जो साइज आपने रखना है। अब मैं इसको जो ऊपर नीचे करती रहूँगी और जैसे ही मैं देखूँगी कि ये तैयार हो गए तो फिर मैं बिरयानी की तह लगाऊँगी। तो कोफ्ते की ग्रेवी जो है तैयार हो गई है, देखें ये सारा हमारा जो कोफ्तों का मसाला है और कोफ्ते जो है वो अच्छे से तैयार हो गए। और अब मैं इसकी तह लगाऊँगी और इसमें मैं थोड़ा सा ये सूखा पुदीना है मेरे पास, ये सूखा पुदीना है ये मैं डालूंगी। ये 2 हरी मिर्चें हैं जो मैं डालूंगी इसमें बस। ये देखो कोफ्ते टूट भी नहीं रहे और अच्छे से बन गए। जो जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी वो सारी इसमें मैंने डाली। असल में इसकी बाइंडिंग जो है वो बेसन से होती है, बेसन। तो आप जो है मैं तह लगाना शुरू कर रही हूँ। पहले जो है चावल की तह लगेगी। चावल की तह लगी। तो ये मैं अब कोफ्तों की तह लगा रही हूँ। तो एक चावल की तह लगी ये कोफ्ते और अब फिर चावल की तह लगा रही हूँ।
तो अब इसमें जो है नींबू भी डाल, तो अब इसमें जो ये मैं सारा ही इसमें लगा दूंगी। इसमें जो ये सारा मसाला और सारे कोफ्ते जो है मैंने इसमें लगा दिए हैं, तो अब इसमें जो चावल डालेंगे। ये जो है इसमें ज़र्दे का रंग डालूंगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये पुदीना छिड़क दिया है मैंने, और इसको अब मैं दम पे कर। तो बिरयानी जो हमारी तैयार हो गई है, कोफ्ता बिरयानी, तो अब मैं इसको प्लेट में निकालने लगी हूँ और दिखाती हूँ साथ साथ।